नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। राजधानी लखनऊ में भले ही नगर निगम साफ सफाई के दावे करता हो, लेकिन अभी भी अधिकांश इलाकों में गंदगी का अंबार जस का तस है। आइए आपको दिखाते हैं राजधानी लखनऊ के जोन 3 स्थित जानकीपुरम द्वितीय वार्ड के सेक्टर जे इलाके का, जहां पर कूड़े का अंबार लगा रहता है। आपको बता दें, जिस जगह पर अनियोजित तरीके से कूड़े का पड़ाव स्थल बनाया गया है, उसके 100 मीटर के दायरे में स्कूल, अस्पताल और अपार्टमेंट हैं, जो गार्बेज के बदबू से परेशान हैं। आज हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव ने जब इलाके में साफ सफाई का जायजा लिया, तो स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने अपनी आप बीती सुनाते हुए नगर निगम से अपील की कि उनके स्कूल के पास कूड़े डाले जाते हैं, जिनकी बदबू से उन्हें पढ़ाई करने में काफ़ी दिक्कत होती है। स्कूल के अध्यापकों का भी कहना है कि बदबू की वजह से पढ़ने वाले बच्चे एकाग्रचित नहीं हो पाते हैं और बीमारी का सामना भी करते हैं। ऐसे में नन्हे मुन्ने बच्चों ने नगर आयुक्त से अपील करते हुए कूड़े के स्थल को हटाने के लिए निवेदन किया। देखिए ये रिपोर्ट। सर, डेवल इंटरनेशनल स्कूल, सर यहाँ पास में देखिए तो कूड़ा यहीं पे डंप कर देते हैं गार्बेज, तो इससे बहुत प्रॉब्लम आती है और क्लासेस में हमारे जो है स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है और बच्चे भी आने जाने में भी बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है सर। तो मैं ये प्रशासन से ये अनुरोध करूँगी या रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको साफ करवाया जाए, यहाँ से हटाया जाए और यहाँ पर गार्बेज डंप ना किया जाए। स्कूल है, स्कूल के आस पास का इन्वायरमेंट जो होगा वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है सर, ये जो कूड़े का यहाँ ढेर इकट्ठा हो रहा है, इससे क्या दिक्कत है आपके विद्यालय में? सर, हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इसकी बदबू से मतलब वो क्लास में से इसे अटेंटिव होकर पढ़ाई भी नहीं कर पाते। हवा चलती है, बदबू आती है, जस्ट दे कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडीज़, तो इसकी वजह से वो बहुत बीमार भी हो रहे हैं, तो एब्सेंट होते हैं, तो इस वजह से उनके वर्क पर बहुत असर पड़ रहा है, पढ़ाई पर बहुत असर पड़ रहा है। सर, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आए इस प्रॉब्लम को देखें और इसका सॉल्यूशन निकालें। थैंक यू सर। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, लेकिन ज़रा संभल के आप हमारे पीछे तो कूड़े का ढेर देख रहे हैं। ये लखनऊ नगर निगम जोन 3 के इलाके का है। जी हाँ, इस समय हम जानकीपुरम के इलाके में हैं और इस जानकीपुरम के इलाके में ये अनाधिकृत रूप से एक कूड़े का पड़ाव घर बनाया गया है, जिस पड़ाव घर के पास में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कूली बच्चे भी आ रहे हैं। मात्र 50 मीटर की दूरी पर एक विद्यालय है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करने आते हैं और ये जो कूड़े का डंपिंग ग्राउंड यहाँ पे बनाया गया है, ज़मीन का जो सतह था रोड के लेवल में था, उसके बाद इसको नगर निगम के जो सफाई कर्मी हैं या जो कूड़ा उठा करके ले जाते हैं उनके द्वारा यहाँ पर पूरी तरीके से गड्ढा भी कर दिया गया है। तो एक बीमारी बढ़ने का सबसे बड़ा संकट यहाँ पर उतर के आ रहा है। स्कूल के बच्चे लगातार परेशान हो रहे। एक बच्चा यहाँ पर है, बेटा इधर आओ। कौन से स्कूल में पढ़ते हो बाबू तुम? कौन? डेवल इंटरनेशनल स्कूल। तो बेटा, ये कूड़ा जहाँ पर है, क्या तुम्हारे स्कूल के आसपास में ही है? हाँ, ये कूड़ा मेरे स्कूल के आसपास है। ये मतलब जहाँ पे हम लोग बैठते हैं वहाँ पे इसकी स्मेल बहुत जाती है और हम लोग बीमार भी बहुत होते हैं। अच्छा, फिर क्या कहना चाहते हो नगर निगम से, क्या कहना चाहते हो इस कूड़े को क्या किया जाए? हटवा दिया जाए। बेटा तुम भी यहीं पढ़ते हो? हाँ। तो क्या इस कूड़े से क्या दिक्कत होती है? बदबू आती है? हाँ, बदबू आती है और बहुत बीमार भी हो जाते हैं और इस कूड़े को हटवाया जाए। बिल्कुल। तो ये देखिए, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे हैं और ये नगर निगम से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस कूड़े को हटाया जाए, क्योंकि जो ये कूड़ा यहाँ पर इकट्ठा होता है वो कूड़ा विद्यालय के पास में है, अपार्टमेंट के पास में है और हॉस्पिटल के पास में है। तो ऐसे में नगर निगम यहाँ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, ये सोचने वाली बात होगी। जबकि लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह लगातार वो कह रहे हैं कि जगह पर साफ़ सफाई हो और इसका साफ सफाई की व्यवस्था को संभालने के लिए जोन 3 इलाके में एक रैम की कंपनी जो अहमदाबाद से आई हुई है उसको यहाँ पर लाया गया था, क्योंकि कूड़े का प्रबंधन किया जाए और यहाँ से कूड़ा उठाकर सिवरी प्लांट जाए। हालांकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ रही कि यहाँ पर जो कूड़े का ढेर लगता है, यहाँ पर निजी जो ठेले से यहाँ पर कूड़ा ला के डालते हैं वो भी इकट्ठा करते हैं, तो दिन भर में यहाँ से कूड़ा प्लांट तक नहीं पहुँच पाता। ऐसे में कहीं ना कहीं स्कूल को भारी समस्या हो रही है। आप देखिए हमारे पीछे कि ये जो बिल्कुल चलता हुआ सड़क है और इस सड़क से जानकीपुरम के इलाके में लोग जाते हैं, हजारों लोगों को निवास करते हैं, बगल में LDA का फ्लैट भी बना हुआ है। बात की जाए तो यहाँ पर हॉस्पिटल भी है,
तो ऐसे में कहीं ना कहीं समस्याओं का सबब बनता जा रहा है। अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से बच्चों ने मिन्नतें की नगर आयुक्त से और नगर निगम से कि इस कूड़े का पड़ाव घर को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि उन्हें बदबू आती है और बीमार होने का खतरा बना रहता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रितेश श्रीवास्तव, सीरूज भारत, लखनऊ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।